बस वो पहला स्टेप रखते ही मैं खुश होने लगती हूँ। उसकी रीजन क्या है, वो खुशगवार मूड क्यों होता है जो वॉक करके नहीं होता? देखिए, आपको बहुत सी चीजें लाइक्स एंड डिसलाइक्स हर एक की लाइफ में होता है, ठीक है। कुछ लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे की पर्सनालिटी से, कुछ लोग कनेक्ट होते हैं नेचर से। अच्छा, आपका मामला ये कि आप कनेक्ट हैं ज्यादा नेचर से, ठीक है। जब आप देखते हैं कि ओपन एयर, नेचर, फ्रेशनेस, सनशाइन, फ्रेश एयर, पानी की आवाज, पौधे, सब मिलता है, ये मिलता है, तो वो आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो कनेक्शन आपको बुलाता है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, वो आपको बुला रहा होता है कि कम टू मी। तो जैसे ही आप वहाँ पहुंचते हैं तो यू फील लाइक इन होम, मतलब आप ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं। ये बताएं कि अगर मैंने एक्सरसाइज करनी है तो बेहतरीन एक्सरसाइज 30 दिन में, तो आपने मुझे बताया कि चिया सीड पिए पहले, ठीक है, अब 30 दिन की एक्सरसाइज भी बताएं। 30 दिन के चिया सीड के साथ ही आप एक्सरसाइज करें, ये नहीं कि 30 दिन पीने के बाद आप करें, 30 दिन के साथ साथ करें, ठीक है। इसमें स्ट्रेचेस हैं आपके, खाना क्या नहीं है वो भी बताना है आपने। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप कुछ छोड़ दें, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही एब्रप्ट और जल्दी इफेक्ट हो, तो आप जो है वो फैट्स जो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, ऑयली चीजें, फ्राइड चीजें, देखें डेयरी में तो हमारे पास दूध भी है, मक्खन भी है, और हम दूध और मक्खन का इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा करते हैं। और आपको पता है, अगर हम मक्खन ना खाएं तो पता नहीं हमें लगता है कि मसले चल रहे हैं लाइफ में, और अगर ना खाएं तो हमारी पाकिस्तानी अम्मियाँ, इतनी खूबसूरत माएं हमारी, जबरदस्ती हमें लगा लगा के खिला रही होती है। क्वांटिटी रिड्यूस कर देना, अगर आप 2 चम्मच खाते तो आप 1 चम्मच भी। अच्छा, शुक्र करें, ये नहीं खा के बिल्कुल ही बंद करें, मत बंद करें। अच्छा चले, अब हम एक मजेदार सा डाइट प्लान बना रहे हैं, वो इसलिए कि शौक हो रहा है मुझे वेट रिड्यूस कवाम के साथ। तो सुबह हमने लिए चिया सीड, फिर हमने अगर ब्रेकफास्ट पे आ गए तो हमें क्या खाना है? आप अंडा खाएं, ठीक है, ठीक है, आप चीज खाएं, ठीक है, आप ब्राउन ब्रेड खाएं, डन, ठीक है। ब्राउन ब्रेड भी शुगर वाली मिलती है, खैर हम ब्राउन ब्रेड और मिल्की ब्रेड कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ऑलमोस्ट सेम रेट्स में आपको मिलता है, अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। आप 2 स्लाइस वो लें, आपके लिए मॉर्निंग का अच्छा ब्रेकफास्ट है। अगर आपका दिल चाह रहा है, आप अपने साथ 1 सेब रख लें, 2-3 केले रख लें, आप अपने साथ ले जाएं ऑफिस, दरमियान में आपको मंचिंग का दिल करता है, इंस्टेड ऑफ ये कि आप स्नैक्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, आप उसकी मंचिंग करें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दिन का आपका लंच का टाइम आ गया, आप खाएं जी थोड़ा बॉइल्ड राइस खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, आप चपाती खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी को रिड्यूस करें, मैं छोड़ने का नहीं कह रहा, ठीक ठीक। 2 चपाती खाते हैं आप, 1 पे आ जाएं, ठीक है। इस तरीके से फिर आपका शाम का टाइम आ जाता है, जब फिर आप डिनर जो हमेशा अर्ली करें। शाम को तो देखे ना फैसल, हमने चिप्स भी खाने हैं, हमने पकोड़े, समोसे, ऐसी टाइप कोई चीज खानी है, हमने चाटे शाटे भी बना के खानी होती है, मतलब चाय सादी तो हमसे पी नहीं जाती, फिर आपको पता है बिस्किट का भी एक पैकेट होना चाहिए। ये सारी चीजें तो देखिए हमें मिलती है। इसके सबसे अच्छा सोल्यूशन है फिश क्रैकर्स, ठीक है, ठीक है। फिश क्रैकर्स आप खाएं, आपकी एपिटाइट भी खत्म हो जाएगी और आप उसको एंजॉय भी करेंगे। आप फिश क्रैकर्स को सिरके में डुबो के खाएं, आपको बहुत मजे का भी लगेगा और आपको बॉडी पे इम्पैक्ट भी नहीं करेगा, सही, और आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी है। अपनी डाइट में सैलेड जरूर आप इस्तेमाल करें, लेमन जरूर इस्तेमाल करें, प्याज इस्तेमाल करें। फिर आपके रात का डिनर टाइम आता है, डिनर का सबसे अच्छा जो एक राज आपको बता रहा हूँ कि हमेशा उसको अर्ली डिनर करें। कितना अर्ली? जितना मतलब अर्ली बजे, अब मत कहना कि ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्लीप रूटीन है, आप 11 बजे सोते हैं, तो आप 8 बजे डिनर कर लें। मेरे जैसे लोग जो जाती रात को घर 10 बजे, वो बेचारे क्या करें? वो फिर 2 बजे सोएं। और जिनके बच्चे बरीरा जैसे हो तो वो डेफिनेटली 3 बजे सोएं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको जितना आप कोशिश एटलीस्ट कर सकते हैं ना कि क्वांटिटी रिड्यूस करें और अर्ली डिनर करें, तो इंशाल्लाह एवरीथिंग। मतलब अगर आप 11 बजे सो रहे हो तो आप 8 बजे तक जो है। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताएं, लाफ्टर थेरेपी जो होती है, आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है? देखिए, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, नो हाइपरटेंशन, नो ब्लड प्रेशर। कसम ले लें, दुनिया में इतना स्ट्रेस है, हमारे पास खुद साख्ता कायम किया हुआ। हमने स्ट्रेस बनाया हुआ, मेरी जॉब नहीं हुई स्ट्रेस, मैंने ये काम करना था नहीं हुआ स्ट्रेस। अच्छा, अब मुझे एक और बात लगती है फैसल, या मुझे सही से बता सकेंगे, मुझे लगता है कि अब के यंगस्टर्स में आपसे और मुझसे ज्यादा स्ट्रेस है। Exactly. हम थोड़े बुढ़े बुजुर्ग बन जाते हैं ना 5 मिनट के लिए, जो कि हम है नहीं है, तो हम 5 मिनट के लिए बुजुर्ग हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे से ज्यादा जो अब वाली जनरेशन आ रही है ना, जो हमसे छोटे बच्चे हैं, इनमें स्ट्रेस ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। हमें भी पढ़ाइयों की टेंशन थी, लेकिन इनको ज्यादा है, क्यों है? और एक इनके अंदर जो वो कहते हैं ना, एक पेशेंस, वो नहीं है। देखिए, इसकी वजह ये कि आप हर काम बहुत जल्दी और क्विकली होता है, ठीक है। कुछ चाहिए तो मुझे लाइब्रेरी जाके बुक खोलने की जरूरत नहीं है, मैं गूगल करूंगा, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि हर काम क्विकली होना चाहिए। मैंने फैट रिड्यूस भी क्विकली करना है, फिर हम ऐसे ऐसे सप्लीमेंट ले लेते हैं, पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनको लगता है कि हर काम क्विक हो। सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? बड़ी प्यारी बात आपने छेड़ दी, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? नहीं, आई डोंट रिकमेंड कि आप सप्लीमेंट्स लें, नहीं, ना गेन के लिए ना लूज के लिए, प्लीज। No vitamins. No, nothing. No vitamins. नहीं, आपने ये सारी दुकानें बंद कराएंगे, जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनकी। इसके मतलब नेक्स्ट प्रोग्राम हम स्पॉन्सर्ड करेंगे। नहीं नहीं, बंद कराएंगे आप सबकी, कि भाई ये ठीक नहीं, उन्होंने कहा ना माही का प्रोग्राम बंद कराएं सुबह से। लेकिन नेचुरल सप्लीमेंट्स भी होते हैं ना,
अगर आपने विटामिन सी लेना है तो आप ऑरेंज के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनसे जो बनता है वो विटामिन सी लें, ठीक। तो बहुत सी कंपनीज नेचुरल बनाती हैं तो आप वो डेफिनेटली लें। तो हम बात करते हैं यंग जनरेशन की, तो उनमें कंट्रोल और एंगर को कंट्रोल करना, पेशेंस होना, आप देख रहे होंगे सिग्नल्स पे अगर है तो हॉर्न जो बजा रहा होगा वो यंग यूथ होगा, यंग जनरेशन होगी, बाइक्स पे यूं यूं जा रहे होंगे, बहुत तेजी में, अल्लाह चाह रहा है इन्होंने कहाँ जाना है, कहीं निकलना है इन्होंने। एग्जैक्टली, तो ऐसे लोगों को चाहिए होता कि यार क्विकली क्विकली काम हो जाए, इसलिए जब वो नहीं होता तो और उनके पास गाइडलाइंस नहीं होती, सिखाने वाले लोग नहीं होते, तो फिर वो स्ट्रेस एंजाइटी में जाते हैं। ठीक हो गया। इससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप फैसल को देखा करें, इससे लॉफ्टर थेरेपी सीखें। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं कि सप्लीमेंट्स क्यों नहीं लेने चाहिए, वैसे मैं वाकई जानना चाहती हूँ, क्या उससे हमारा फैट बनता है बॉडी में? नहीं, फैट नहीं बनता। फिर क्या मसला, मतलब फिर क्या मसला है, फिर तो खाने दें हमें, खाएं आप, मैं ये नहीं कहता कि ना खाएं, लेकिन अच्छे जो ऑथेंटिक हैं, जो प्रूवन हैं, जो लैब टेस्टेड हैं, ये तो नहीं कि आपको कहीं से भी मिल रहा है तो आप कहें ये सस्ता मिल रहा है तो मैं ये ले लूं, ठीक है। अगर आप अच्छी कंपनीज बना रही हैं, बहुत सी अच्छी कंपनी, अच्छा मुझे तो लगता है कि डॉक्टर के रिकमेंडेशंस के बगैर ना ही खाएं, वरना वो आपके गुर्दों पे इफेक्ट होगा सीधा सीधा, वो तो बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद आप कहेंगे जी लो हो गया काम हमारा जिंदगी का, ये तो मतलब वो हिसाब हो कि आप किसी मेडिसिन की शॉप पे गए और आप बोल रहे हैं जी मेरे स्टमक की दाएं साइड पे बाएं वाले कॉर्नर में दर्द है, तो वो आपको वो ऐसी पेन किलर दे देगा कि भाई ये ओवरऑल दर्द ठीक कर देगा, तो वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, उसके मुताबिक अपनी बॉडी की बैलेंसिंग करवाएं, अपनी बॉडी को चेक करवाएं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मुझे किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, कौन सी चीज़ एक्सेस में है, फिर आप वो सप्लीमेंट लें तो तब वो काम करे। हाँ, मतलब उससे पहले आपने खुद नहीं लेने। वैसे मैं ये वाकई जानना चाह रही हूँ कि एक मिथ भी है कि हम जो लोग कहते हैं कि हमने सप्लीमेंट्स लिए हैं उसके बाद हमारा बैली फैट बहुत तेज़ी से आया और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ी, ये मुझे बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला है। अब आई डोंट नो ये ऐसा है या नहीं है, लेकिन मैंने बहुत लोगों के से ये सुनी है बात। तो मुझे ये बताएं कि बैली फैट कितने अरसे में, अगर हम कोशिश करें योगा करते तो कितने अरसे में योगा में हम रिड्यूस कर सकते। देखिए, योगा जब हम करते हैं ना तो साथ हम उसको कोई मेडिसिन कोई सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। योगा इज द ओनली एक्सरसाइज जिसमें कोई आपको ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ योगा के थ्रू करना है, ठीक। और योगा के थ्रू अगर आप वेट को लूज़ करते हैं, बैली फैट को रिड्यूस करते हैं, तो वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, वो दोबारा गेन नहीं होता या बहुत ही हार्डली, बहुत ही स्लो गेन होगा वो। जिस तरीके से ये एंटी एजिंग है कि एजिंग इफेक्ट को स्लो कर देता है, आपकी एज ऑलमोस्ट रुक जाती है, बहुत स्लो स्लो आगे बढ़ती है, इस तरीके से आपका फैट भी कोई भी बॉडी वर्कआउट हो तो वो उस तरीके से काम करता है। सही। तो अगर आप योगा करते रहें तो मैं